अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ काबुल ज़ेबा रेस्टोरेंट। इसकी बड़ी तारीफ सुनी, इसके खाने, इसका अफगानी टिक्का और इसका काबुली पुलाव दी बेस्ट है, लोग ये कहते हैं। तो हमने सोचा हम भी ट्राई करें, मैं भी ट्राई करूँ और आपको भी दिखाऊँ कि ये अफगानी या ये काबुली खाने और ये अफगानी रेस्टोरेंट कैसा है। रेस्टोरेंट के बाहर का माहौल जितना खूबसूरत था, अंदर का माहौल उससे ज़्यादा दिलफरेब। ज़बरदस्त एम्बियंस के साथ रश लगा हुआ था लोगों का, और क्या कहने इस बेहतरीन एटमॉस्फेयर के। क्वेटा शहर वालों की ये खूबी है कि इनको अच्छा खाना नजर आ जाए तो ये खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि खाना खुद कहता है मैं किथे आ गया। ऐसा काबुली पुलाव ना कभी मैंने देखा पहले और ना कभी खाया है। बेहतरीन कुक्ड और खुशबू और जायके से भरपूर ये काबुली पुलाव खाते ही आप ख्वाबों की दुनिया में चले जाएंगे, और फिर आपको लाने के लिए हमें आपको झिझोड़ना पड़ेगा। इस शेफ के तो हाथ चूमने चाहिए। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जिसने आज तक किसी रेस्टोरेंट का रुख नहीं किया। यार इस खाने को देखकर यकीन मानो स्माइल आ जाती है चेहरे पर। ये है अफगानी काबुली पुलाव, काबुल ज़ेबा रेस्टोरेंट का ये स्पेशल काबुली पुलाव। क्या कहने, ये देखो। या बहुत क्लास का है। ये देखिए मटन से भरा हुआ है, और ये इसमें किशमिश और ये मटन और ये सब कुछ का मिक्सचर उमर बुखारी का है। आप सिर्फ देखते रहें। अगर आपने भी खाना है काबुल ज़ेबा रेस्टोरेंट, ये बिल्कुल क्वेटा में। क्या कहें, अब बारी आती है इस न्यू एडिशन की जिसे ये लोग चने की कहते हैं, यानी कि इसमें दुम्बे का गोश्त, चने की दाल और दुम्बे की चर्बी डालकर इसी छोटी सी देगची में बनाया जाता है और इसी के साथ सर्व किया जाता है। हम क्वेटा वाले गोश्त के बड़े शौकीन होते हैं और स्पेशली नमकीन रोश के। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए काबुल ज़ेबा रेस्टोरेंट ने ज़बरदस्त सा ऐसा मलाई रोश बनाया है जो कि क्वेटा वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरता है। बेस्ट है। और प्राइसेस के बारे में क्या क्या? बिल्कुल लो प्राइसेस है, मतलब कोई हाई स्टैंडर्ड प्राइसेस नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। और फैमिली के लिहाज से अगर देखा जाए तो वीकेंड के दौरान हम लोग 5% ऑफ रखते हैं फैमिली के लिए, और मजीद हम लोग इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये कोई पेंटिंग या कोई डिजाइनिंग की क्लास नहीं चल रही, बल्कि ये बन रहा है स्पेशल अफगानी नान जो कि यहाँ पर खाने के साथ सर्व किया जाता है। बहुत ही दिलफरेब नक्शनिगार इस पर बड़े ही टेक्निकल अंदाज से डाले जा रहे हैं, और उसके बाद इतने खूबसूरती से इसको पकाया गया और बनाया गया कि मेरा तो दिल किया कि ये कच्चा ही खा जाऊँ। इतनी मज़ेदार सी और इतनी खूबसूरत सी इसको डिज़ाइन किया, ये बनकर फिर उससे कई ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। काफी
बेहतरीन सॉफ्ट। ये क्या बात है। और इस नाम के साथ उमर बुखारी आपका भाई ये टिक्का खाने लगा है। स्पाइसेस नहीं है इसमें, नमकीन का है सर, जायके से भरपूर। वाह बेहतरीन। काबुल ज़ेबा का शीर यख जंबो भी है और मज़ेदार भी है। तो काबुल ज़ेबा का शीर यख काबुल ज़ेबा टेस्ट के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छे एटमोसफेयर के लिए आपने आना है तो काबुल ज़ेबा जरूर लाइएगा। सर ये एड्रेस है मेन सेरिना से बिल्कुल ऑपोजिट और कैंट से भी बिल्कुल सामने, पुराना यूफोन दफ्तर के बिल्कुल पास।